नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आप प्रत्यक्षदर्शी समाचार देख रहे हैं। कल करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं रखेंगी। अपनी पति के लंबी उम्र के लिए यह व्रत लगभग हिंदू धर्म में सभी महिलाएं रखती हैं। त्यौहार को देखते हुए मार्केट में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर महिलाएं लगभग अपने घर से निकलकर त्यौहार में ख़रीदारी कर रही हैं, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हों या फिर कपड़ों को लेकर खरीदारी चल रही है, मिठाइयाँ चूड़ा वगैरह खरीदा जा रहा है। करवा चौथ के व्रत को लेकर खरीदारी के लिए बाज़ारों में दिखी रौनक। बाज़ारों में उमड़ी सुहागिन महिलाओं की भीड़। पति की लंबी आयु के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ के व्रत को लेकर सुहागिन महिलाएं इस बार बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। बाज़ारों में उमड़ी भीड़ से व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर है। इस बार बाज़ारों में चांदी के करवे से लेकर मिट्टी के करवे मौजूद हैं, लेकिन आज भी मिट्टी के करवे सुहागिन महिलाओं की पहली पसंद बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, आप यहाँ पे आए हैं शोरूम जी। क्या यहाँ पे ख़रीदारी इस बार कैसी है आप लोग की? जी, बहुत अच्छी है। फिलहाल थोड़ा सा कम है क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन करने लगे। ऑनलाइन से किसी को नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन में डैमेज सामान मिलता है, यहाँ पे अच्छा सामान मिलता है। दूसरी बात, इस दुकान में बहुत ही अच्छी साड़ी मिलती है और बहुत कम दाम में मिलती है, बहुत ही बेस्ट साड़ी। आपने ख़रीदारी कर ली? जी, हमने कर ली। क्या महंगाई का और त्यौहार पे जो चल रहा है, करवा चौथ दीपावली, क्या असर है इसका पॉकेट मनी पे आप लोगों को? नहीं नहीं, यहाँ पे जो सामान मिलता है बहुत ही कम दाम में मिलता है। आपके बजट में है? हाँ, हमारे बजट में है, क्योंकि जो साड़ी यहाँ पे दे रहे हैं ये ऑनलाइन में बहुत ही महंगा है और फिलहाल उसमें बहुत ही डैमेज आता है, क्योंकि हम लोग देखते तो है नहीं, ऑनलाइन में देखकर ऐसे हम लोग मंगा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग हरी चीज़। आपकी करवा चौथ की तैयारी पूरी हो गई? जी हाँ। यह त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ITM मीडिया 24 पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अगर वीडियो यह पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, लाइक करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।